हम लोगों की होली बहुत अच्छी बीते, पूरे देश की होली, और G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत। हम सब आइए मिल करके थोड़ा थोड़ा देश के लिए कंट्रीब्यूट करें। सेंट्रल मिनिस्टर सुभाष गई जी, उनकी वाइफ, ये सब नेचुरल पहले से जुड़े हुए हैं, जो सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिलया कोई, जो मन को जापना तो मुझसे बुरा ना कोई। के परिवार के लिए मैं चुप रही, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ज़्यादा उनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। पर इस टाइम मैं फोर फ्रंट हूँ, पहले बिहाइंड द कर्टन सेवा हो रही थी, अब मैं सबको ही अप्रिशिएट करती हूँ जो 30 साल से लाइनों में खड़े होकर सेवा कर रहे हैं। सेवा तन मन धन, एक लोग वो हैं जो चौकी के टाइम 12 बजे से आके रात के 12 बजे तक जाते हैं। मन सिमरन, धन पैसा, सबसे उत्तम सेवा है जो धन की करते हैं। जब हम मन से माला करते हैं तो ध्यान हमारा भटक जाता है, धन से सेवा करते हैं हमारे में अहंकार आता है, तो जो शरीर से सेवा करते हैं ना, लगता है कि हम बहुत गरीब हैं। माँ, हम तो आपको यही सेवा दे सकते हैं, मुझे वो बहुत प्रिय है, बाकी कोई क्या चढ़ा सकता है देने वाले को। आपके दरबार में आज कोई भी इंसान होता है क्या, किसी में है ताकत? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज राधे गुरु माँ ने एक संदेश दिया कि अपने जन्मदिन पे गरीबों की सेवा करो। जो लोगों को अनाज मिल रहे हैं, पंखे मिल रहे हैं, जो निःशक्त लोग हैं उनको साइकिल मिल रही है, तो ये संदेश बड़ा अच्छा है। और देश में सभी जो सक्षम लोग हैं उनको ऐसा अपने जन्मदिन पे करना चाहिए। राधे गुरु माँ जी चिरंजीवी हो, हम सब की ऐसी शुभकामनाएं। जाने दो आज पॉलिटिक्स, विदेश में जाकर मोदी सरकार पे कई सारे आरोप लगाए हैं। आज उन्होंने फोन भेजा, राधे गुरु माँ जी का जन्मदिन है, आज हम किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहते। और माँ, जिस तरह से आज आपने इतने सारे लोगों में अनाज वितरण किया है, तो माँ जब आपके जन्मदिन की बात आई तो कैसे आपने सोचा कि? मेरे बचपन से ही विचार ऐसे थे, ये मेरा पूरा शहर जानता है, मैं सेवा में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, क्योंकि मैंने गुरबाणी पढ़ी नहीं, उस पर अमल किया है, सेवा से ही सब कुछ। तो माँ, आपके द्वारा लाखों लोगों की, लोगों तक सेवा पहुँचती है राधे माँ के थ्रू, राधे माँ के ट्रस्ट के थ्रू, तो माँ कैसे आपकी सोच होती है कि जितने ज़्यादा तक लोगों, क्योंकि आप किसी लोगों की उम्मीदें बहुत है, क्योंकि माँ के पास जो भी जाता है वो खाली। जब
हम सेवा भाव रखते हैं ना तो कुदरत सेवा लेने वालों को नेचुरली संदेश दे देती है। आठ पहर जन हर को जपे हर का भगत प्रकट नहीं छपे। जब कोई ईश्वर की आराधना करता है उसको जपता है तो कुदरत उसके फेस को नेचुरली लोगों तक संदेश पहुंचा देती है। उसको कहना नहीं चाहता पड़ता कि आओ मेरे पास। मारने वाले से बचाने वाले के हाथ बहुत लंबे हैं तो बहुत रास्ते में मेरी नहीं भक्तों की परीक्षा होती है। ये किस पानी में है तो मैं अंतर्यामी हूँ। ये कहना जरूरी है कि मैं मन की आंखों से देखती हूँ। मैं दिल वाली हूँ दिमाग वाली नहीं। तो मुझे पता होता है कौन कहाँ खड़ा है। तो जो मेरे साथ डिबेट करते हैं ना